हेलो फ्रेंड्स, रव्या किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ तिलकुट। तिलकुट बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बन जाता है, तो चलिए फटाफट से इसे बनाते हैं। तिलकुट बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम तिल लिया है और तिल को पहले हमें हल्का भून लेना है। हल्का ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। मतलब कि तिल का कलर चेंज होने तक हमें भून लेना है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं तिल का कलर चेंज हो चुका है, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। तिल ठंडा हो चुका है तो इसे अब हम एक मिक्सिंग जार में डालेंगे और इसे हल्का दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए, तिल हमने पीस ली है, बहुत ही बारीक नहीं पीसी है, हल्का दरदरा ही पीसा है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई बैठा दिया है, इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम गुड़। तिल के लड्डू या फिर तिलकुट बनाने के लिए हमेशा तिल और गुड़ की क्वांटिटी जो है हमें सेम रखनी चाहिए, उससे तिल के लड्डू या फिर तिलकुट एकदम परफेक्ट बनते हैं। यहाँ इस बात का ख्याल रखें कि गुड़ को हमें मीडियम फ्लेम पर ही पिघलाना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं पिघलाना है। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में गुड़ को हाई फ्लेम पर पिघला देते हैं, जिसकी वजह से गुड़ हमारा जल जाता है और जब हम उसमें तिल डालकर भूनते हैं, तिल की मिठाई से जला जला सा स्वाद आने लगता है। इसलिए गुड़ को मीडियम फ्लेम पर ही पिघलाएं। गुड़ हमारा लगभग पिघल चुका है तो इसमें अब हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब घी। अब यहाँ हम घी क्यों डालते हैं? घी हम इसलिए डालते हैं ताकि हम तिल के जो भी मिठाई बनाए, तिलकुट बनाए या फिर तिल के लड्डू बनाए, वो खास्ता बने, वो ज़्यादा कड़ा ना बने, यानी ज़्यादा टाइट ना हो, जिससे कि उसे खाते समय वो बहुत ही सॉफ्टली टूट जाए, दांत पर ज़्यादा जोर ना पड़े। और तिल की मिठाई का स्वाद भी तो तभी आता है जब हम उसे आराम आराम से खा सकते हैं। अगर खाते समय उसे तोड़ने में ही बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े, यानी खाते समय हम उसे ठीक से तोड़ ही ना पाए, तब तो समझिए कि तिल मिठाई का स्वाद पूरी तरह से जा चुका है। क्योंकि अक्सर खाने में वही चीज़ का स्वाद ज़्यादा आता है जो हम आराम आराम से खा सकें। तो इसलिए हमारी तिल मिठाई, तिलकुट या तिल के लड्डू हम जो भी बना रहे हैं, वो खास्ता बने, स्वादिष्ट बने, इसके लिए हमें घी डालना पड़ता है। अब घी डालने के बाद हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी चाशनी बन चुकी है? तो पहला तो ये है कि चाशनी में से झाग आने लगेंगे, और दूसरा आप इसे पानी में डालकर भी चेक कर सकते हैं, यानी कटोरी में ठंडा पानी लें और इस तरह से कटोरे में चाशनी के 1-2 बूंद गिराकर और फिर उसे हाथ से निकाल कर इस तरह से दबा कर देखें। अगर वो अच्छे से गोल हो जा रहा है, चपटा हो जा रहा है, किसी भी शेप में आ जा रहा है, तो आपका चाशनी जो है वो पूरी तरह से तिलकुट बनाने के लिए रेडी है। तो गुड़ का चाशनी हमारा तिलकुट के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो इसमें अब हम डाल देंगे ग्राइंड किए हुए तिलकुट और इसे अच्छी तरह से गुड़ में मिला लेंगे। इसमें गैस का फ्लेम रखेंगे बिल्कुल लो। फ्लेम लो इसलिए रखना है क्योंकि अगर आप जैसे ही फ्लेम बंद करती हैं तो आपका गुड़ जो है वो ठंडा हो जाएगा और फिर जो तिल है उसमें अच्छे से मिल नहीं पाएगा। और जब तिल और गुड़ अच्छे से मिल नहीं पाएगा तो तिलकुट भी अच्छी नहीं बन पाएगी, यानी उसका बाइंडिंग ही अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए तिल गुड़ मिलाते समय हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। तो हमने तिल और गुड़ अच्छे से मिला लिया है, तो अब हम इसे तिलकुट का सेप देना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मिक्सचर जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म है और गर्म गर्म में ही इसे हमें तिलकुट का भी सेप देना है। तो हमें दोनों हथेली में पहले पानी लगा लेना है, यानी ठंडा पानी लगा लेना है। अब हमें जितना बड़ा तिलकुट चाहिए उतना ज़्यादा हमें तिलकुट का मिक्सचर लेना है और जल्दी जल्दी से उसे इस तरह से कुछ गोल कर लेना है और फिर इस तरह से उंगली की मदद से बीच में प्रेशर डालते हुए उसे चपटा कर देना है, यानी तिलकुट का जो शेप होता है बस वही शेप देना है। ये देखिए, इस तरह से गोल किया और इस तरह से चपटा कर दिया। तिल के लड्डू से भी बहुत ज़्यादा आसान है तिलकुट बनाना, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा देर तक गोल शेप देने की ज़रूरत पड़ता नहीं है। बस थोड़ा सा तिलकुट लेना है, उसे हल्का गोल करना है और उंगली की मदद से कुछ इस तरह से चपटा कर देना है। तो इसी तरह से हमें सारे तिलकुट को बना लेना है। तिलकुट को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से बन जाता है। अगर पहली बार बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि आप जो तिलकुट लेंगे वो थोड़ा गर्म होता है। और आप भी इसे जल्दी जल्दी से बना सकें, इसके लिए आप हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा, जिससे कि आपका हाथ नहीं जलेगा और आप भी इसे जल्दी जल्दी बना पाएंगे। तो ये देखिए, बनकर तैयार है हमारा सारा तिलकुट। मैं एक तिलकुट आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ, ये बहुत ही खास्ता बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी तिल की मिठाइयाँ खाने के शौकीन हैं तो एक बार इस तरह से तिलकुट जरूर बनाएं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इस तिलकुट का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा और आपकी तिलकुट भी बहुत अच्छी बनेगी। और अगर आप बनाते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी तिलकुट कैसी बनी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं।